गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों पर विवाद बढ़ा, अब तक शुरू नहीं हुई है वोटों की गिनती। गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की, कांग्रेस विधायकों के 2 क्रॉस वोट को रद्द करने की मांग। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत को खारिज किया, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा, अरुण जेटली रविशंकर प्रसाद समेत कई मंत्री पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव आयोग को पूरी रिपोर्ट भेजी, कहा वोट खारिज करने का कोई आधार नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कांग्रेस का आरोप विधायकों ने वोट देकर अमित शाह को दिखाया। कांग्रेस विधायक शक्ति सिंह का दावा, अमित शाह को वोट दिखाने का वाक्या वीडियोग्राफी में रिकॉर्ड हुआ, रिटर्निंग ऑफिसर चेक करा वीडियो फुटेज। गुजरात राज्यसभा चुनाव में जेडीयू के विधायक छोटू भाई ने बीजेपी को वोट दिया, केसी त्यागी ने कहा नीतीश के कहने पर बीजेपी को वोट दिया गया। अहमदाबाद में बीजेपी ऑफिस में मनाया गया जश्न, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी मनमोहन सिंह मौजूद रहे, बैठक में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी। गुजरात में राहुल गांधी की गाड़ी पर हुए पथराव को लेकर कांग्रेस का लोकसभा में हंगामा, खड़गे ने कहा शहीद के बेटे हैं राहुल, किसी से डरेंगे नहीं। कांग्रेस के सवालों का गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, कहा राहुल गांधी ने अपने पीएसओ की बात मानी, एसपीजी को की बात को नकारा। राजनाथ सिंह ने कहा राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया, जानबूझकर खुद को खतरे में डाला, एसपीजी की बात नहीं मानी। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठाया, पूछा 2 साल में 72 दिन विदेश में बिना एसपीजी के क्यों रहे राहुल। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री का बीजेपी पर आरोप, कहा राहुल गांधी पर हुए पथराव में बीजेपी के लोग शामिल। राहुल गांधी की सुरक्षा मामले पर उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा जासूस कराना बंद कर दे सरकार। उमर अब्दुल्ला ने कहा अगर सरकार को जासूसी ही करवानी है तो खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल करें। पटना में लालू ने नीतीश और बीजेपी पर फिर साधा निशाना, कहा देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, बीजेपी आरएसएस के टारगेट पर राहुल। राज्यसभा में नोट छापने के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा देश में 2 तरह के छापे जा रहे हैं नोट, एक बीजेपी और दूसरा बाकी देश के लिए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने नई करेंसी का मुद्दा उठाया, पूछा 500 और 2000 के अलग अलग तरह के नोट बाजार में क्यों हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अपनी ही पार्टी पर निशाना, कहा सल्तनत चली गई लेकिन अभी भी सुल्तान की तरह बर्ताव कर रही है कांग्रेस। जयराम रमेश के बयान पर बोले रणदीप सुरजेवाला, कहा चुनौतियों से गुजर रही है पार्टी लेकिन अस्तित्व का संकट कतई नहीं। सुरजेवाला ने कहा जयराम रमेश के बयान से सहमत नहीं है पार्टी, बोलने से पहले पार्टी से राय लेनी चाहिए। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर यूपी शिया वक्फ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा वैकल्पिक जमीन मिली तो अपना दावा छोड़ने को तैयार। यूपी शिया वक्फ बोर्ड ने कहा अयोध्या के मुस्लिम बाहुल इलाके में मिलनी चाहिए जमीन, राम जन्मभूमि विवाद में पक्षकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने संवैधानिक बेंच का हवाला दिया, कहा इस्लाम में जरूर नहीं है मस्जिद, विवाद जमीन पर बनना चाहिए, विवादित जमीन पर राम मंदिर। शिया वक्फ बोर्ड पर भड़के जफरयाब जिलानी, कहा शिया वक्फ बोर्ड के हलफनामे की कोई अहमियत नहीं है, अयोध्या विवादित जमीन पर नहीं चाहिए सलाह। डोकलाम विवाद पर चीन की नई चाल, भूटान का हवाला देकर डोकलाम को चीन का हिस्सा बताया। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को पकड़ा, तीनों के पास से 2 चाइनीज पिस्टल बरामद। तीनों आतंकियों ने हिजबुल से संबंधों की बात मानी, पूछताछ में खुलासा, युवाओं को उकसाकर दी जाती है ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के माछल सेक्टर में घुसपैठ नाकाम, 5 आतंकी ढेर, सेना ने 5 हथियार भी बरामद किए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भागे, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सीएम महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, फारूक ने कहा आर्टिकल 35A को लेकर चर्चा हुई। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के 2 बेटों से एनआईए की पूछताछ, टेरर फंडिंग मामले में हुई ये पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिप्टी एसपी फहीम अली से एनआईए की पूछताछ, हुर्रियत नेता मीरवाइज के सिक्योरिटी इंचार्ज रह चुके हैं हफीम अली। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़का रही है आईएसआईएस, लोकसभा में सरकार ने दी इसकी जानकारी, कहा अब तक 90 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। राजौरी में पीडीपी विधायक चौधरी कमर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज, एक युवक से मारपीट करने का मामला।
चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले को लेकर कल संसद में बयान दे सकते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। चंडीगढ़ प्रशासन ने गृह मंत्रालय को पूरी रिपोर्ट भेजी। छेड़खानी मामले में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने वर्णिका को बेटी बताया, कहा जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा छेड़खानी केस में होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई, लड़की को छेड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं। वर्णिका छेड़छाड़ मामले में गवर्नर से मिली हरियाणा महिला कांग्रेस, शोभा ओझा ने कहा जांच में दखल दे रही है बीजेपी, पुलिस पर बनाया जा रहा है दबाव। छेड़छाड़ मामले को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने विरोध किया। छेड़छाड़ मामले को लेकर रोहतक में हाईवे जाम, वर्णिका के समर्थन में उतरे लोग। पीएम नरेंद्र मोदी से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कर्ज माफी समेत कई मसलों पर चर्चा हुई, अरुण जेटली से भी हुई मुलाकात। तेजस्वी यादव ने शुरू की जनादेश अपमान यात्रा, यात्रा के लिए तेज प्रताप यादव के साथ निकले राबड़ी देवी ने तिलक लगाकर रवाना किया। यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, नीतीश कुमार को बताया रणछोड़। डायल जीएमआर ग्रुप पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर सरकार को नुकसान पहुंचाने का आरोप, सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पर डीएनए अखबार की पड़ताल। दिल्ली में आईजीआई का संचालन करती है डायल जीएमआर ग्रुप, करार के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं दिया राजस्व, 2397 करोड़ का नुकसान हुआ। मीडिया के सहयोगी अखबार डीएनए ने जीएमआर ग्रुप की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, अब तक जवाब नहीं मिला है। जस्टिस दीपक मिश्रा होंगे भारत के नए चीफ जस्टिस, इसी महीने 27 अगस्त को रिटायर होंगे जस्टिस जेएस खेहर। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मिले विशेष दर्जे के खिलाफ याचिका पर केंद्र को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की दलील अनुच्छेद 370 अस्थायी व्यवस्था थी, राष्ट्रपति के आदेश से विशेष दर्जा हटाया जा सकता है। जेएनयू के लापता छात्र नजीब के मामले में सीबीआई को कड़ी फटकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा मजाक के लिए सीबीआई को नहीं दिया केस, 6 सितंबर तक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। दही हांडी मामले में महाराष्ट्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई। कर्नाटक में काम करने वाले बैंक कर्मचारियों को फरमान, कन्नड़ विकास प्राधिकरण ने कहा 6 महीने में स्थानीय भाषा सीखो नहीं तो नौकरी गंवाने के लिए तैयार रहो। कर्नाटक में भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाएगी सरकार, हिंदी को लेकर विवाद के बाद सरकार का यह फैसला। यूपी के अमेठी में राहुल गांधी के लापता होने के पोस्टर लगे, पोस्टर में लिखा इलाके में विकास का काम रुका हुआ है। मुलायम सिंह ने लोहिया ट्रस्ट के 4 सदस्य बदले, अखिलेश के करीबी राम गोविंद समेत 4 को हटाया, शिवपाल के करीबियों को शामिल किया। उन्नाव के एक मदरसे में बच्चों को जंजीरों में बांधकर पढ़ाने का मामला सामने आया है, मदरसे से भागे 2 छात्रों ने आरोप लगाया। नोएडा में महिला ने फांसी लगाकर जान दी, आत्महत्या की वजह साफ नहीं, पुलिस ने जांच शुरू की। पश्चिम बंगाल के नादिया में बड़ा हादसा, दलदल में गिरी बस, 8 यात्रियों की मौत, 25 लोग घायल। नादिया बस हादसे में मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिवार को 2 लाख का मुआवजा देगी ममता सरकार। पंजाब से ट्रक यूनियन का राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन, कैप्टन सरकार के ट्रक यूनियन बंद किए जाने के फैसले से नाराज है यूनियन के सदस्य। पंजाब के मोगा से पुलिस ने किया इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार, गैंगस्टर के पास से 1 किलो ड्रग्स, पिस्टल और कैश बरामद। हरियाणा के जींद में एक घोड़ी को गले में रस्सा बांधकर तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, पुलिस ने कहा पागल हो गई थी घोड़ी। हरियाणा के किसान कर्ज माफी और फसल के दाम को लेकर हड़ताल करेंगे, कल से 14 अगस्त तक गिरफ्तारियां देंगे। एमपी के कारोबारी संजय और विजय शिंदे पर कसा शिकंजा, 5वें दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी, 75 करोड़ की काली कमाई का खुलासा। भोपाल सेंट्रल जेल के कर्मचारियों की शर्मनाक करतूत, कैदी पिता से मिलने गए बच्चे के चेहरे पर मुहर लगाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुल से नदी में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 1 बच्चा लापता है, जयपुर से भोपाल जाने के दौरान यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसान की हार्ट अटैक से मौत हुई, किसान सुल्तान मीना पर बैंक का करीब 2.5 लाख का कर्ज था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में छेड़छाड़ से तंग आकर एक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की, 2 साल से गांव का ही एक युवक कर रहा था परेशान। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सलियों ने एक गांव के सरपंच की हत्या की, साथ ही कई गाड़ियों में भी आग लगाई। कटिहार में लगातार हो रही बारिश से गिरी घर की दीवार, दीवार गिरने से बुजुर्ग की मौत हुई, पीड़ित परिवार ने मुआवजे की मांग की। बिहार के खगड़िया में पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। बिहार के पूर्णिया में घर में सांप निकलने से अफरा तफरी, वन विभाग ने आकर सांप को पकड़ा। पटना के
एग्जीबिशन रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस की टीम के खिलाफ नारेबाजी हुई। हाईकोर्ट ने 100 से अधिक घरों को हटाने का आदेश दिया। बिहार के कैमूर में मनचाहे दाम पर खाद बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज। प्रशासन ने कहा बिना लाइसेंस दुकान चलाने वालों को नहीं बख्शेंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में महिला चोरों ने ज्वेलरी शोरूम में की चोरी। ग्राहक बनकर दुकान में ही की चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। झारखंड के दुमका में हॉस्टल में छात्रा के साथ बदसलूकी। मोबाइल चोरी के आरोप में लड़की को निर्वस्त कर हॉस्टल में घुमाया गया। झारखंड के खूंटी में मानव तस्करी की शिकार चार नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने कराया मुक्त। आरोपी महिला तस्कर फरार। झारखंड के देवघर में नाबालिग के साथ रेप। गांव के ही दो नाबालिग लड़कों पर रेप का आरोप। राजस्थान के बीकानेर में नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई। टीम को मौके से बड़ी मात्रा में नकली घी मिला। राजस्थान के कोटा में कांस्टेबल ने थाने के क्वार्टर में की खुदकुशी। 6 दिन की छुट्टी के बाद कल ही लौटा था थाने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बारा में नदी में पलटी नाव। 6 लोग तैरकर निकले बाहर। 6 अब भी लापता। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस 2020 में राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पेंस न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट से नाराज हैं। सहयोग कंपनियों की पहचान के लिए सेबी का बड़ा फैसला। 331 कंपनियों को स्पेशल कैटेगरी ट्रेडिंग में डाला। सभी 331 शेल कंपनियों में रुका कामकाज। अब 4 सितंबर को होगी ट्रेडिंग। सेबी के एक्शन से बाजार में गिरावट। निफ्टी ने तोड़ा 10,000 का स्तर। सेंसेक्स 259 और निफ्टी 79 अंक गिरकर बंद। जल्द ही डीटीएच पर भी लागू होगा पोर्टेबिलिटी का नियम। आसानी से बदले जा सकेंगे सर्विस ऑपरेटर्स। ट्राई कर रही है इस योजना पर काम। 10 लाख बैंक कर्मी 22 अगस्त को करेंगे हड़ताल। निजीकरण और मर्जर का कर रहे हैं विरोध। बैंक यूनियन संघ ने बुलाई हड़ताल। पहली बार अब तीसरे टेस्ट से पहले श्रीलंका की मुश्किलें और बढ़ी। रंगना हैराज टेस्ट से हुए बाहर। अंडर 19 एशिया कप भारत में होने का पीसीबी ने किया विरोध। वेन्यू बदलने की करेंगे मांग। दोनों देशों में तनाव का हवाला दिया। अरुणाचल प्रदेश की महिला क्रिकेटर सुषमा वर्मा सम्मानित। 5 लाख के साथ डीएसपी का पद मिला। भारतीय टीम में विकेट कीपर है सुषमा।